एक मित्र ने पूछा, बड़ी अच्छी पंक्ति उन्होंने कही, समय जरूर लगा मुझे यार, लेकिन मैं संभल गया, क्योंकि मैं ठोकरों से गिरा था, किसी की नजरों से नहीं। समय जरूर लगा मुझे मेरे यार, लेकिन मैं संभल गया, क्योंकि मैं ठोकरों से गिरा था, किसी की नजरों से नहीं। यह इतनी अद्भुत पंक्ति है, जरा ध्यान से देखिए। लोग कहते हैं ठोकर इंसान को चलना सिखाती है। ठोकर तब लगती है जब आदमी थोड़ी लापरवाही से चलने लगता है, ठोकर लग जाती है, वह गिर जाता है। लेकिन कभी कहता है, मैं ठोकर से गिरा जरूर, किसी की नजर से नहीं गिरा था। आज हम लोग अपने तमाम लोग अपनी ही नज़र में गिरते चले जा रहे हैं। जो लोग मातु पिता गुरु तीन से नित्य उठ लो आशीष, माता पिता और गुरु तीन से प्रतिदिन जो व्यक्ति आशीष लेता है, उसका जस कर्म बढ़ता है। शास्त्रों में लिखा है, पित्रात पुत्रात पराजयम, जो व्यक्ति अपने पुत्र से पराजित हो जाता है जस में, कर्म में, संकल्प में, जिसका बेटा आगे बढ़ जाता है कर्म करके, वह पिता धन्य हो जाता है। और जिसका गुरु पीछे छूट जाए, शिष्य आगे बढ़ जाए, द्रोणाचार्य और अर्जुन के तरह। अभी देखिए, द्रोणाचार्य और अर्जुन, एक ही द्रोणाचार्य के दो शिष्य हुए, एक दुर्योधन और एक अर्जुन, दोनों की प्रवृत्ति कैसी हो गई। क्योंकि दुर्योधन अपने नौकर से पढ़ता था, द्रोणाचार्य उसके नौकर थे, अर्जुन अपने गुरु से पढ़ता था, यह भाव की बात होती है। तो माता पिता और गुरु का आशीर्वाद प्रतिदिन जो व्यक्ति प्राप्त करता है, दुनिया का सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है। और इसीलिए मैं लोगों से निवेदन करता हूं कि जो भी जस काम करते हो, उस व्यक्ति को थैंक्स कहना मत भूलो जिसने तुम्हें जन्म दिया है। अरे, एक कप चाय किसी के घर पर जाकर पी लेते हो, चलते समय कहते हो थैंक यू, बड़ी अच्छी चाय आपने पिलाई। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपनी जवानी की छोंक देकर, पूरी जवानी को जलाकर खाक कर दिया, राख कर दिया, और उस राख से तुमको खड़ा किया, उसको एक बार अगर थैंक्स नहीं कहोगे तो वह बुजुर्ग तो तड़प कर मर जाएगा। क्यों कोई बाप अपने बेटे को पूरे जीवन भर उंगली पकड़ कर चलाता है, ताकि बुढ़ापा में सहारा हो जाए वो, ताकि बुढ़ापा में जब मैं गिरूं, वो गीत जो लोग गाते हैं, जब उंगली पकड़ के तेरी तुझको चलना सिखलाया, ताकि हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। उस इसीलिए कोई बाप अपने बेटा का परवरिश करता है। अगर इस तरह नहीं करे तो कल तुम भी अब बाप बनोगे, तुम भी बुजुर्ग बनोगे, तुम्हें कौन देखेगा। कि कभी भी अपनी मुट्ठी को खोलो मत। प्रत्येक व्यक्ति जितनी भी कमाई करता हो जीवन भर, उसका केवल 30% ही वह खर्च कर पाता है, बाकी अपने बच्चों के लिए छोड़ जाता है। और उसी धन संपत्ति पर बेटा जब खड़ा होता है, तो तुम्हारा नेम प्लेट पहले बदल देगा वह। इसलिए मुट्ठी मत खोलो, अपने जीवन का जो भी कमाई करते हो उसका सदुपयोग करो, बुढ़ापा में काम आए। और यह लोभ में, प्रलोभन में फंसकर अगर तुमने अपनी पूरी जीवन की कमाई किसी की चाबी दे दी, तो तुम्हारी मूर्खता पर तुम्हारा बुढ़ापा रोएगा, और बुढ़ापा कहेगा कि तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी, कि पूरे जमाई जमाने की, पूरे जीवन की कमाई को तुमने किसी ऐसे लोगों को दे दिया जो तुम्हारा शत्रु है, तुम्हें प्रताड़ित कर रहा है, तुम्हारे ही साधन से तुम्हें पीस रहा हो। ऐसे लोगों से प्रत्येक व्यक्ति को बचने का प्रयास करना चाहिए।